नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बनाए हुए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो जल्दी से ये लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करो और बेल दबाकर सारी नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप ही देखेंगे। रिचार्ज और प्लान से संबंधित जानकारी के लिए बेल दबाएं। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित जानकारी के लिए इस क्रिकेट सीजन के दौरान करोड़ों उपभोक्ताओं के एक साथ मोबाइल वीडियो देखने के कारण मोबाइल वीडियो के प्रसारित होने में आप कुछ पल की देरी महसूस कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से आपका अनुभव बेहतर करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने कृपया प्रतीक्षा करें। हम आपका कॉल हमारे सलाहकार को स्थानांतरित कर रहे हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसकी निगरानी की जा सकती है। हम इस कॉल के अंत में आपके बहुमूल्य फीडबैक की प्रतीक्षा करेंगे। सर, जियो से अमित बात कर रहा हूँ, क्या सहायता कर सकता हूँ? अमित जी, मेरा नेट स्लो चल रहा है, आप ही चाहेंगे सर, इस सुबह के लिए चेक कर लिया जा रहा है, बने रहिएगा लाइन पे। जी, नेट चलाने की जब कोशिश कर रहे हैं सर, तो एग्जैक्ट क्या इशू हो रही, क्या बताया जा रहा है, कंफर्म करिएगा। सर उसमें कुछ नहीं, बफरिंग दिखाता, कोई भी वेबसाइट खोलिए, यूट्यूब खोलिए, कुछ बफरिंग दिखाता और उसमें डाउनलोड स्पीड जो आप स्पीड टेस्टर्स में 120 KB/s दिखाता है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है आप कहाँ पे फेस करें, आपका स्टेट और सिटी का नाम जान? मेरा स्टेट बिहार है और डिस्ट्रिक्ट अररिया है और ये पंचायत जो हमारा जहाँ पे टावर लगा हुआ है कोसकापुर नाम है। धन्यवाद जानकारी के लिए सर। चेक करके जो जानकारी हमें मिल पा रही है, माफी चाहेंगे इस असुविधा के लिए। करंटली डेटा की सर्विसेज में एक प्रॉब्लम हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि इस क्रिकेट सीजन के दौरान करोड़ों लोगों का एक साथ मोबाइल वीडियो देखने के कारण मोबाइल वीडियो के प्रसारित होने में आपको कुछ पल की देरी, स्लो स्पीड और बफरिंग की इशू हो सकती है। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से अपना अनुभव बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। काइंडली अपना धैर्य बनाए रखें सर। ये जो प्रॉब्लम है, मंडे टू फ्राइडे शाम के 8 से रात के 11:59 और सैटरडे संडे को शाम को 6 से रात को 11:59 तक हो सकती है। शाम के 4 से रात के 11:59 तक हो सकती है। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से अपना अनुभव बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आपने सर इतना सपोर्ट कोऑपरेट किया, कुछ समय के लिए अपना कोऑपरेशन बनाए रखें। फिर क्या करें सर, हमारा 1 GB जो बचा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, फिर हम क्या कोऑपरेशन आप लोग साथ बनाए रखें? सर मैं समझ पा रहा हूँ, आप एक यूजर है, मैं भी एक यूजर हूँ सर, खुद को आपकी जगह पे रख के देखो, बिल्कुल समस्या को समझ पा रहा हूँ। जी, मेरा तो मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है, जो मेरा 1 GB जाएगा उसका क्या हिसाब किताब बनेगा सर? सर मैं बिल्कुल समझ, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर ये हमारे यूजर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए हमारी टीम निरंतर काम कर रही है, प्रयास किया जा रहा है, जल्द से जल्द अनुभव को बेहतर बना दिया जाएगा। आपने इतना कॉपरेट किया है? नहीं, हमें सर एक बात बताइए, जो आपका ये प्रॉब्लम है तो कस्टमर को घाटा हो रहा ना, फिर पैसा तो कस्टमर देता ना सर? बिल्कुल सर, कंपनी को कुछ नहीं हो रहा ना? रिचार्ज किया बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन प्रॉब्लम हमारे से और नेटवर्क की माफी चाहूंगा, जो सर्विसेज में जो इम्प्रूवमेंट पे हमें ये लगातार हो रहा है, कुछ समय लगेगा सर, काइंडली एक कॉपरेशन बनाए रखें। इसका बेनिफिट दीजिए ना, नेक्स्ट डे दीजिए ना, फिर ऐड कीजिए ना, जब तक प्रॉब्लम आ रही है। माफी चाहेंगे सर, ये जो बैलेंस है ये तो कैरी फॉरवर्ड या ऐड करने की सुविधा नहीं है, लेकिन नहीं है तो कस्टमर गया ना, फिर वो यूज ही नहीं कर पा रहा, फिर पेमेंट आप ले लिए फिर यूज ही नहीं कर पा रहा, जो भी कारण हो। इसके लिए सर हम लोग अपनी तरफ से अपना अनुभव बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। काइंडली सर अपने अंदर कुछ कॉपरेशन। सर हम लोग क्या करेंगे बताइए ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरी कंपनी में जाएंगे ना फिर? नहीं सर, ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, आपने इतना कॉपरेट किया, थोड़ा कॉपरेशन। नहीं, कॉपरेट एक दिन हो सकता है ना, ये बार बार क्या कॉपरेट, पैसा तो हम लोग देते हैं ना सर। जी मैं समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन इसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। काम कर रहे तो काम नहीं हो रहा ना, जिसलिए आपका कनेक्शन यूज करता हूँ। इससे बेटर तो यहाँ एयरटेल का सर्विस है, क्यों करेंगे यूज आपका? सर यहाँ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से कि दिक्कत आ रही है सर आपको, लेकिन इसके अभी एयरटेल का नेट इतना फास्ट है, यहाँ पे 4G इतना फास्ट है, 3G फास्ट है आपसे सर। जियो जो है सर ये सबसे बड़ी 4G नेटवर्क है और हमारे तरफ से जो बड़ी रहने से क्या होगा सर, देखिए सर बड़ी रहने से क्या होगा, तार का पैर बहुत बड़ा होता है लेकिन छाया नहीं देता सर। सर दिक्कत है, इसके लिए हम लोग काम करें, काइंडली सर अपने एंड से अपना कुछ। आपका नेटवर्क बड़ा है सर, आपका नेटवर्क बड़ा है गली गली में, लेकिन सर्विस अच्छा नहीं है ना सर। हम लोग सर्विस के लिए एयरटेल वगैरह को छोड़ दिया, लेकिन आप लोग भी तो वही काम करने लगे हैं हम लोग के साथ में। सर्विस के जो आपने फीडबैक दी इसको मैं बहुत ही पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, जरूर सर इसको इंप्रूव करने का काम ऑलरेडी चल रहा है, काइंडली सर कुछ समय प्रोवाइड करें अपने एंड से। ये 2-4 दिन से यही कहानी हो रहा है, क्या करेंगे सर हम लोग बताइए। हम लोग दिन भर काम करके आते हैं और शाम को अपना काम करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग तो कोई क्रिकेट वाला रिचार्ज कराया ना, हम लोग तो नॉर्मल पैक रिचार्ज कराते हैं सर। जी मैं समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन इसके लिए काम जारी है, काइंडली कुछ समय प्रोवाइड करें अपने एंड से। नहीं वो घाटा होगा किसका होगा, फिर प्रोवाइडर हम क्या करेंगे, 1 महीना 2 महीना कितना दिन प्रोवाइड करेंगे बताइए ना, और 500 रुपये कराते रिचार्ज क्या? नहीं सर ऐसा मैं बिल्कुल आपसे रिकमेंड नहीं। नहीं, अगर आप और पैसा चाहिए और रिचार्ज करवाते, लेकिन सर्विस तो दीजिए।
सर जरूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन थोड़ा समय प्रोवाइड करना होगा सर, अभी इसके लिए काम चला ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। अरे एक बात बताइए, क्या समय देंगे सर? मेरा जो काम का नुकसान हो रहा है, फिर क्यों आपका कंपनी का सिम यूज करेंगे बताइए सर? इस तरह की प्रॉब्लम बार बार आएगी तो क्यों करेंगे आपका? और बार बार ये टावर वाले टावर बंद करते आप लोग कुछ बोलते नहीं है सर। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आपको जो भी दिक्कत है इसी के लिए सर्विस इंप्रूव करने का काम चल रहा है। आपने इतना कॉपरेट किया और कुछ कॉपरेशन बनाए रखे हैं। टावर वाले को जाके बोलना पड़ता है, इसके बाद वो जाके स्टार्ट करता है, लाइन वाइन कनेक्शन चालू करता है, इसके बाद नेटवर्क आता है। ये हाल है आपकी कंपनी की सर। इस फीडबैक को भी मैं आपसे ले रहा हूँ, इसको जरूर आगे रखा जाएगा। अभी तक आपने जो कॉपरेट किया कुछ समय और प्रोवाइड करें अपने एंड से, हम लोग निरंतर काम करें। कब तक करें सर ये जो प्रॉब्लम है? रात के 11:59 तक हो सकते हैं, उसके बाद ठीक हो जाएगी सर। रोज की कहानी सर, रोज की कहानी सर ये तो। हाँ ये मंडे टू फ्राइडे रोज आपको हो सकती है, रोज 11:59 ले लें। क्रिकेट भर दूसरा कनेक्शन ले लें, फिर काम ही नहीं होगा आपके यहाँ, फिर क्या करेंगे सर? ऐसा नहीं करें, इसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं सर। आपने इतना कॉपरेट किया और कुछ समय प्रोवाइड करें अपने यहाँ से, तो हम लोग क्या करें सर? हम लोग रोज का कहानी, हम लोग आपके कंपनी का सिम से काम नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करें? आपकी कंपनी की प्रॉब्लम ना सर, हम लोग कंपनी चेंज कर लेते हैं और बहुत सारा कनेक्शन चेंज होगा सर, एक बार जान लीजिए। सही बात है, जियो एक बड़ी कंपनी है, हर जगह नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क तो सिर्फ दिखता है मोबाइल में, काम का नहीं है सर। सर इसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, आपने इतना कॉपरेट किया और कोई समय प्रोवाइड करें अपने एंड से। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्या मैं इस रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकता हूँ सोशल नेटवर्क पे? बिल्कुल सर, हमारा भी हर एक कॉल रिकॉर्ड होता है सर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसको सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ सर। ठीक है, ये आपने कॉल किया था, ठीक है, हमारा हर एक कॉल रिकॉर्ड होता है, फिलहाल वक्त लगेगा लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। क्या सर्विस है, क्या सर्विस है, कुछ लोगों को भी पता चलना चाहिए ना क्या सर्विस दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं डाल देता हूँ, अभी डालता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं सर, हम लोग अपनी तरफ से निरंतर काम करें, अनुभव को बेहतर। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया ना, हम लोग का जो नुकसान और उसका कौन जिम्मेदार बनेगा सर? इसी के लिए हम लोग सर्विस के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है उसके लिए वर्क किया जा रहा है, सर्विस को इम्प्रूव किया जा रहा है। जी कितना दिन तक? एक दिन होता है, 10 घंटा होता है, 5 घंटा होता है, इतना दिन से सर्विस आपका? 11:59 तक कॉपरेट करें, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद तो आज का डाटा ही खत्म ही हो जाएगा, क्या कॉपरेट करेंगे फिर? आज का कहानी हम क्या 12 बजे रात तक जगेंगे क्या आपके लिए? ऐसा नहीं करें, ये ऑल ओवर इंडिया पे प्रॉब्लम आ रही है, इसी के लिए ये वर्क किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया का भी जानना चाहिए ना, कस्टमर सब जानना चाहिए ना कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, इसी के लिए हम लोग भी, हमारे पास भी ये जानकारी प्रॉब्लम, इसी के लिए हमें जो जानकारी मिली टीम वर्क करी है, इसमें इंप्रूव किया जा रहा है सर्विस को। ठीक है सर, ठीक है सर, तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यही करेंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे। आपका सर्विस अभी बंद रहेगा, जब तक क्रिकेट से लगा आपका सर्विस ही नहीं होता तो हम लोग अपना काम बंद नहीं कर सकते ना सर, कर दे काम। इसके लिए हम लोग सर काम कर रहे हैं, आपको टाइम प्रोवाइड करना होगा अपने एंड से। ठीक है, तो हमें हमारा शाम का ठीक कर दीजिए ना, दिन भर मत दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा कनेक्शन शाम को फास्ट होना चाहिए। वर्क चल रहा है सर, सर्विस इंप्रूव कर, वर्क चल रहा है, तो वर्क चलने के चक्कर में अपना काम खराब कर लूँ क्या सर? नहीं सर, ऐसा मैंने शुरू से लेकर अभी तक एक बार भी नहीं कहा। मैंने जस्ट आपसे निवेदन किया, आपने इतना कॉपरेट किया, कुछ समय और प्रोवाइड करें, ऑलरेडी सर्विस इंप्रूव करने का काम चल रहा है, सर्विसेज को जल्द से जल्द इंप्रूव कर दिया जाए। क्या उसका कोई टाइम टेबल है क्या? इसके लिए जो अभी तक हमारे पास जो जानकारी, रात के 11:59 तक ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल से प्रॉब्लम नहीं आएगी? आज रात के 11:59 तक ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है आप कॉल बैक करें। कल भी वही सिस्टम होगा, कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा, जब तक आपका मैच चलेगा तब तक यही प्रॉब्लम होगा, यही कहने का मतलब यही है। क्रिकेट मैचेस के दौरान प्रॉब्लम आ सकती है सर, इसी के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपका कहने का मतलब कि ज्यादा लोग देख रहे हैं इस कारण से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यही ना? हाँ, जब तक मैच चले तब तक दूसरा रास्ता ढूंढ लें। ठीक है सर, थैंक यू। ऐसा नहीं करें सर, हम लोग वर्क करें, इंप्रूव कर दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपके चक्कर में अपना काम, कोई भी कस्टमर मेरे पास अभी 100 कस्टमर की हाल है। ठीक है सर, 100 कस्टमर अभी इस एरिया में सभी परेशान है, हम लोग वर्क करें, सर्विस को इंप्रूव कर देंगे, काइंडली सर समय प्रोवाइड करें अपने एंड से। ठीक है सर, अगर कल तक नहीं हुआ ना सर, रात के 12 बजे तक नहीं हुआ ना, हम लोग पूरी चेष्टा करेंगे, और इसको मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे इतना फैला दूंगा ना, फिर कुछ तो फर्क पड़ेगा सर। ठीक है, थैंक यू सर, हम लोग धन्यवाद सर। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।